أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. एक काफिर है उतबा बिन अबी वकास, उसने एक तरफ से होकर पत्थर उठाया और आपको मारा जोर से। सहाबा की नजरें थी तलवारों पर, नेजों पर, तीरों पर, वो पत्थर नजरों से निकल गया, लिहाजा वो उनके अंदर को चीरता हुआ जाकर मेरे नबी के मुंह पर यहां लगा और आप सीधा पीछे ऐसे गए, पीछे यूं, पीछे खड्डा था वो यहां गर्दन में लगा किनारा, तो आप बेहोश हो गए, दांत भी टूट गए, चेहरा भी खून खून हो गया, अब बेहोश होकर यूं गिर गए। साहबा ने समझा आप शहीद हो गए, तो सब ने जारो कतार रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया तो साहबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अब तो इनके लिए बद्दुआ फरमा दे, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला, तो अब तो हक था कि आप बद्दुआ करते। ये सामने उम्मत नहीं है, कातिल खड़े हैं, काफिर अपने हाथ उठाए। सहाबा समझे कि हूं इनांदे बेड़े बुट गए। अल्लाहुम्मग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, इन्हें मेरा पता कोई नहीं है। देखो मेरे भाइयों, जिसने काफरों के साथ ये हमदर्दी के कत्ल करने वालों के लिए दुआ मांगी है, तो मुसलमान होकर एक दूसरे को सलाम करना छोड़ चुके, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना छोड़ चुके, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगा के बैठे हुए, मुझे बताओ तुम मेरे नबी के साथ क्या कर रहे। वो तुम्हें फिरकों में बांट कर गए थे या उम्मत बना कर गए थे? क्यों इस नादान खेल में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो? क्यों उन्हें मुसलमान बन के रहते हो? इस उम्मत में इख्तलाफ शुरू से है, हमेशा रहेगा, यहां तक ना जाओ कि एक दूसरे पर कुफर के फतवे। जन्नत में कौन जाएगा? सुन्नियों ने कहा वहाबी काफिर, वहाबियों ने कहा सुन्नी काफिर, बरेलियों ने कहा देवबंदी काफिर, देवबंदियों ने कहा बरेलवी काफिर, शिया ने कहा सुन्नी काफिर, सुन्नी ने कहा शिया काफिर, जन्नत में कौन जाएगा? कुछ तो भाइयों मेरे नबी की मेहनत की कदर करो। मेरे नबी तो गैरों को अपना बनाने आए थे, हमने अपनों को गैर बना दिया। जो नफरत की आग वहां भड़क रही है, यहां मत भड़काओ, जाओ मेरे देश में देखो कितने सर कट चुके, कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी माएं बेआसरा हो गईं, कितनी जवान बेटियों की मांग वीरान हो गई। क्या इसी का नाम इस्लाम है? इसी का नाम इश्क रसूल है? इसे वो दीन कहते हैं? एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते हो, एक दूसरे के पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हो, जन्नत के ठेकेदार बन गए हो, मेरे नबी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ाने खड़े हो गए थे, जिसका कुफर अबू जहल से भी बड़ा है। अबू जहल ऊपर की दोजख में है, अब्दुल्ला बिन उबई सबसे नीचे की दोजख में है। उनके बेटे आए, या रसूल अल्लाह मेरा बाप मर गया है, अपना कुर्ता दे देंगे, मैं उसको कफन दे दूं। हमने कहा ले लो, कुर्ता उतार के दे दिया। अब कहते बदबक मुनाफिक दफा हो जा। कह या रसूल अल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे? कहां पढ़ाऊंगा, बाकी मुनाफिकों का तो किसी को पता नहीं था सिवाय अल्लाह के नबी के, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई का मुनाफिक होना तो सबको मालूम था। आप जनाजे के लिए खड़े, उमर सामने आ गए, या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो मुझे पता है कौन है, तो आप इसका जनाजा क्यों पढ़ा रहे? क्या शायद अल्लाह माफ कर। क्या उमर पीछे हट जा, मुझे पता है ये को मेरे अल्लाह ने कहा है
तू इनके लिए दुआ कर या ना कर, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं करता हूं शायद अल्लाह माफ कर दे। फिर फरमाया कि मेरे अल्लाह ने कहा अगर तू 70 दफा भी इनके लिए दुआ कर तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर मेरा अल्लाह कहता ऐ मेरे महबूब अगर आप 70 दफा इसके लिए दुआ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा, तो मैं इस कमबख्त का 70 दफा जनाजा पढ़ा देता। मुझे बताओ तुम कहां से ये दीन लेकर आए हो जिसमें तुम फिरकों में बट गए हो, नफरतों की आग तुमने लगा दी है, ये कहां से इस्लाम आया है? मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं, अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, क्यों इस कदर जुल्म और सितम ढाए हुए हैं? मैं नया नया तबलीग में गया, कॉलेज से निकला, हमारी जमात एक गांव में गई, एक मस्जिद में, तो इमाम साहब आए, हमें मां बहन की गालियां दी और हमारे बिस्तर उठा के बाहर मस्जिद धोवो कुत्ते अंदर वाड़ाए। मैं हैरान परेशान, मैं तो कोई नहीं जानता था कि मजहब क्या होता है, फिरके क्या होते हैं, मैं तो कॉलेज में गाने वाला था, नाचने वाला था जुनैद जमशेद की तरह, मुझे तो दीन का पता तबलीग से पता चला। मैं हैरान परेशान कि ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल हैं, मस्जिद धो दो बाहर खड़ो, ये मस्जिद में खड़े होकर मां की गाली दे रहे हैं, बहन की गाली दे रहे हैं, तो फिर मेयार दीन क्या है? इतनी नफरत, इस कदर दूरियां। अगर हम काफिर थे तो हमें गले से लगाते हमारे नबी की तरह, हमें खाने खिलाते, हमें पानी पिलाते, फिर हमें बात समझाते, लेकिन मां बहन की गालियां मस्जिद में खड़े होकर, इमाम मस्जिद। हम पंजाब के जमींदार हैं, गाली देना हमारी सरिश्त में है, लेकिन मस्जिद में कांप जाते थे कि किसी को उल्लू का पट्टा भी कह दे। हमारे बुजुर्ग बड़े भी बहुत गालियां निकालते थे, लेकिन मस्जिद में किसी को जरूरत नहीं होती थी कि वो, मेरे वालिद मरहूम खुद बहुत गुस्से वाले बड़े सरदार आदमी थे, तो थोड़ी थोड़ी बात पे मार पिटाई गालियां, लेकिन मैंने नहीं अपने बाप को मस्जिद में सुना गुस्से में भी किसी को गाली देते हुए, मां बहन की गालियां निकालो। उस्ताद ये कह रहे हैं कि ये गुस्ताख रसूल हैं, हम ये काफिर हैं, इनको निकाल दो, कुत्ते आ गए, मस्जिद धो वो। मेरे नबी के दौर में तो काफिर आके मस्जिद में रहते थे। मेरे भाइयों, इस जो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं अपना दुखड़ा बयान कर रहा हूं, इसकी संगीनी को समझो। ये पौंड डॉलर नहीं बचाएंगे जब हम आपस में टूट जाएंगे। मैं, अल्लाह ने मुझे दुनिया में फिरने का मौका दिया, बार बार दिया, इसी तबलीग के सिलसिले में सबसे ज्यादा मैं स्पेन में जाके दुखी हुआ। और मेरा दुख ये नहीं था कि हमारी यहां 800 साल हुकूमत थी और खत्म हो गई, मेरा दुख ये था, मैं इस पे रोया मस्जिद कुर्तुबा में, कि जिस वजह से स्पेन तबाह हुआ वो सारी वजह मेरे देश पाकिस्तान में मौजूद है इस वक्त, और होश नहीं है किसी को मजहब पर लड़ाई, सियासत पर लड़ाई, दीन पर नफरत, सियासत पर नफरत, कौम पे नफरत, सूबे पे नफरत, पेशे पे नफरत, नफरत नफरत नफरत। मेरे नबी ने पूछा इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? साहबा ने कहा नमाज, हमने कहा नहीं। साहबा ने कहा जिहाद, हमने कहा नहीं। साहबा ने कहा रोजा, हमने कहा नहीं। साहबा ने कहा हज, हमने कहा नहीं। कहा या रसूलल्लाह फिर आप बताएं। फरमाया दीन का सबसे मजबूत अमल मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है।